मऊ में पेट्रोल डीजल एवं रसोई गैस के मूल्य में हो रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मऊ शहर के बाल निकेतन स्थित पेट्रोल पंप पर माधवेंद्र बहादुर सिंह उर्फ सोनू सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन करते हुए बढ़े हुए मूल्यों को तत्काल जनहित में वापस लेने की मांग की है। बाबा बताएं क्या नाम है आपका? ब्रह्मानंद पांडे। पांडे जी बताएं कि आज कांग्रेस पार्टी जो पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की और दीगर महंगाई को लेके उसकी मुखालफत में मुजाहरा कर रही है, उम्मीद है क्या कांग्रेस को कि मतलब बीजेपी इस चीज़ों को वापस ले लेगी? कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं, काम पर विश्वास रखती है। कांग्रेस पार्टी हर गरीब की लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार की नीयत में खोट है, जो जनता को धोखा देने का काम, जनता से वादा करके वोट लेकर और ठगने का काम जो सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कांग्रेस पार्टी हर जनता की लड़ाई लड़ रही है और यह जनमानस में यह बता रही है कि वह भारत डिजिटल है जहां भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देकर गरीबों के साथ छलने का काम किया है। जो गरीबों की आवश्यकता की चीज़ है उसका मूल्य बढ़ाया जा रहा है, जो अमीरों की चीज़ है उसे घटाया जा रहा है, अमीरों के साथ दे रहे हैं। बताइए क्या उम्मीद है कांग्रेस को भी वापस ले लेगी बीजेपी? हमारा काम है लड़ाई लड़ना, हम लड़ाई लड़ेंगे। हम विपक्ष के हैं, कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग जनता के बीच 70 साल जनता का ख्याल किए हैं, जनता के मूल्य चीज़ों का हम लोग पूरा किए हैं, ध्यान दिए हैं कि जनता की मूल आवश्यकता क्या है, साबुन का रेट क्या होना चाहिए, तेल का रेट क्या होना चाहिए, राशन का रेट क्या होना चाहिए, डीजल का क्या रेट होना चाहिए, पेट्रोल का क्या रेट होना चाहिए। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ छलवा की है और ठग की है। कही है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी जनता का हम लोग ख्याल करेंगे, गरीबों का ख्याल करेंगे, लेकिन ये लोग गरीबों के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, गरीबों को ठग रहे हैं और गरीबों को आए दिन लूटने का काम कर रहा है। हम कांग्रेस पार्टी, हम लोग लूटने नहीं देंगे जनता को। जनता की हर लड़ाई कांग्रेस पार्टी रोड पर आकर और जन आंदोलन के रूप में लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी जय हिंद।